नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, बीते दिनों उधम सिंह नगर में आयोजित पुलिस की अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ पुलिस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसको लेकर यहां पुलिस विभाग में खुशी व्याप्त है। हेड कांस्टेबल हरीश सिंह के नेतृत्व में प्रादेशिक अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पिथौरागढ़ टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रदेश की पीएसी की आधे दर्जन टीमों ने प्रतिभाग किया था। टीम के यहां पिथौरागढ़ पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक नरेंद्र कुमार आर्या व स्पोर्ट्स टीम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती फेरी वालों की संख्या पर व्यापारियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। कनालीचना क्षेत्र के व्यापारियों ने पुलिस से इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। कनालीचना उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश सिरौला के नेतृत्व में थाने पहुँचे लोगों ने क्षेत्र में फेरी व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग का एक पत्र थानाध्यक्ष को सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के संरक्षक रविधामी, दीपक भंडारी, दिनेश नेगी, दीपक उपाध्याय सहित अन्य व्यापारी शामिल थे। पूर्ण व्यापार संघ कनालचना व मेरे द्वारा अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिन प्रार्थना पत्र में पूर्ण रूप से बाहर से आए गए व्यापारियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने पीसीसी से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पीसीसी में कर्मठ और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जो कि विधानसभा चुनाव में अपने बूथों पर ही पार्टी को नहीं जिता पाए। उधर गढ़वाल के युवा नेता अभिषेक सिंह ने भी पीसीसी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को स्थान दिए जाने की बात कहते हुए पीसीसी से अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा होने के बाद पार्टी में घमासान शुरू हो गया। बीते दिनों प्रदेश के नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश के दिन हुए उच्च स्तरीय स्थानांतरणों की जांच की मांग तेज होने लगी है। यहां पूर्व सभासद सुबोध बिष्ट ने सूबे के मुखिया को एक पत्र प्रेषित कर सार्वजनिक अवकाश दिवस पर तबादले किए जाने के मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने विवादित स्थानांतरणों पर रोक लगाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना की है। पूर्व सभासद ने पत्र के माध्यम से नगर पालिकाओं में रिक्त पदों को भी भरे जाने की मांग की है। प्रदेश में विभिन्न भर्तियों में हुई धांधली के मामले में बेरोजगार युवाओं में खासी नाराजगी व्याप्त है। युवाओं ने अब आगामी 23 सितंबर को विशाल आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया है। आज यहां पत्रकार वार्ता के दौरान बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हिमांशु गणकोटी ने कहा कि लगातार भर्ती में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, जो युवाओं के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। संगठन के हेमंत खाती ने धांधले वाली भर्ती में सीबीआई जाँच की मांग की है। उन्होंने कहा कि रैली जिसका नाम हमने आक्रोश रैली के रूप में रखा है, बाकी उसी प्रेस मीट से हमें कहना चाहते हैं सरकार से कि आपका जो धोखा आप दे रहे हैं, जो आपका बरगला रहे हैं कि आपका, आप कह रहे हैं कि आज ही का अखबार था, उसी अखबार में विधानसभा की नियुक्ति के अंदर आपने कहा कि एक जांच समिति आपने गठित की थी और उस जांच समिति के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और उस जांच समिति, जाहिर सी बात है कि वो जांच समिति कैसी है कि ना, ये सब सीमांत जनपद में कहीं गुलदार तो कहीं भालुओं के आतंक से लोग दहशत में हैं। जिला मुख्यालय के निकट फिर से बीती रात पौण पबदेव क्षेत्र में गुलदार दिखाई दिया था। एक रोज पूर्व गणकोट क्षेत्र में भी गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों की गश्त लगातार जारी है। गश्त के दौरान लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उधर बेरीनाग के चचरेत गाँव में बीते 3 रोज पूर्व गुलदार ने एक बालिका को अपना निवाला बना लिया था, जिससे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। वन विभाग द्वारा गांव में पिंजरा लगाया गया, पर गुलदार वहां नहीं भटक रहा और बीती रात गुलदार ने एक श्वान को भी अपना निवाला बना लिया, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। बताया जा रहा है कि बेरीनाग तहसील मुख्यालय के निकट भी गुलदार दिखाई देने से नगरवासी भी दहशत में हैं। वन विभाग द्वारा लगातार गश्त जारी है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इधर मुनस्यारी के गिरगांव में भालुओं का आतंक बना हुआ है। भालुओं ने बीती रात मधुमक्खी के छत्तों सहित खेत में खड़ी फसल को बर्बाद, ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को देने के साथ ही भालुओं के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के थल में बीती रात एक पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हो गया।
चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि पिकअप वाहन सहित एक दुकान व एक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मिली जानकारी के अनुसार थल से धारचूला की ओर सामग्री लेकर जा रहा एक पिकअप वाहन बीते देर सायं थल के टॉल बाजार में पहुंचने पर अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। वाहन का ब्रेक फेल होने से वो अनियंत्रित हो गया, जिससे दुकानदार मनोज गोस्वामी के मकान की दीवार व पाइपलाइन वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि उस स्थान पर उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगे और SSI मोहन सिंह बरदोला सहित पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन को बमुश्किल किनारे लगवाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।